अग्निवीरों को सरकार नौकरियों में आरक्षण, बिना ब्याज लोन भी। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्टेड गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को 4 विभागों में 10% आरक्षण देने तथा प्राथमिकता के आधार पर आर्मर्स लाइसेंस जारी करने का ऐलान किया है। हरियाणा में कांग्रेस लगातार सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को समाप्त करने का ऐलान कर रही है। चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये ऐलान किया कि सेना से 4 साल के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, फॉरेस्ट और माइनिंग गार्ड, जेल वार्डन व एसपीओ की भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। सीधी भर्ती में अग्निवीरों को यह सुविधा मिलेगी। सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए तय उम्र में भी अग्निवीरों को छूट मिलेगी। अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद के बैच के लिए यह छूट 3 साल के लिए होगी। सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की लोकहित की योजना है। इसके माध्यम से स्किल और एक्टिव युवा तैयार होंगे। 14 जून 2022 को लागू की गई योजना के तहत भारतीय सेनाओं में 4 सालों के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। 4 वर्षों के सर्विस के बाद कुल अग्निवीरों में 25% स्थायी होंगे और बाकी रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने 4 वर्षों के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है।